बाइक के लिए दिल्ली से सामान लाना पड़ेगा। बढ़िया बन रही है बॉडी भी, हमारी बाइक भी आ रही है और दो पल के लिए खुशी मिलती है और दो पल के लिए चली जाती है। पता चला घर में तो कोई है नहीं, मैं टपक गया। मैं सोच रहा हूँ नया हेलमेट लूँ। आज हम जाएंगे अपना लाइसेंस अप्लाई करवाने। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मजे में। तो आज की व्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है इस मौसम से। अभी मैं बाहर आया तो भाई ठंडी ठंडी लग रही थी भाई साहब। एकदम से मौसम पता नहीं क्या हो गया, अभी गर्मी गर्मी थी, एकदम से मौसम ऐसा हो गया बिल्कुल ठंडा ठंडा भाई। और अभी तो मैं बाहर आया, मैं सो ही रहा था जस्ट अभी। अभी घर पे कोई नहीं, मम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, दीदी मम्मी को लेके गई है और मैं ना सो रहा था, मेरे को पता ही नहीं है कुछ दिन दुनिया का। मतलब चिट था बिल्कुल, मैं ऐसा होता है बिल्कुल अपनी धुन में सो रहे वाला सीन था भाई। 4 बजे के आसपास सोया था मैं और अब जाके उठाऊँ 1 बजे। ब्लॉग एडिट कराया, जितने ब्लॉग पेंडिंग थे ये झंझट खत्म हो गया। 1 या 12:30 तक मैं सो जाऊंगा क्योंकि एक ब्लॉग एडिट करने में मुझे 1-1.5 घंटा लगता है। अभी का कुछ सीन ऐसा है, अभी मेरे को नाश्ता खुद से बनाना पड़ेगा, तो नाश्ता वगैरह बनाते हैं फिर उसको खाते हैं। फिर उसके बाद कुछ अपडेट्स है जो आपको बतानी है, तो अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा फिर। और दो पल के लिए खुशी मिलती है और दो पल के लिए चली जाती है भाई। अभी क्या हुआ, एक वीडियो हल्की सी उठी थी और फिर उसके बाद जो दूसरी वीडियो थी उठी, और जो तीसरी वीडियो है अब डाली, जो आज व्लॉग डाला वो तो क्या ही बोलूं, वो तो ऐसे जा रहा है लो बिल्कुल लो व्यूज जा रहे हैं उस पर। समझ नहीं आ रहा है क्या खेल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, अपनी मेहनत जारी रहेगी, अपन मिलकर हार नहीं मानेंगे भाई, कुछ भी हो जाए चाहे। चलो यार एक चीज सही होगी, मम्मी सब्जी बना के जा रही है, रोटी बना के जा रही है दीदी, मम्मी बोल रही दीदी रोटी बना के जा रही है, सब्जी बना के जा रही है, बस मेरे को चाय बनानी है, तो चाय बनाते हैं उसके बाद अपना नाश्ता रेडी हो जाएगा। लो भाई तुम्हारा भाई मास्टर शेफ बन गया क्योंकि मैंने यहाँ पर बना दिया कुरकुरे पराठे, ये देखो भाई। और भाई इधर अपनी चाय बन रही है, लो भाई नाश्ता रेडी अपना, तो नाश्ता करते हैं उसके बाद फिर मैं आपको अपडेट बताता हूँ। यार अभी मैंने नाश्ता किया और अभी मैं आपको अपडेट बताता हूँ, और अपडेट से पहले एक और चीज बताना चाहूंगा यार। बताए सीन क्या है, सीन ही है यार, एक तो फेसबुक और एक इंस्टाग्राम मैं बहुत कम यूज करता हूँ, मतलब बहुत कम देखता हूँ मैसेज वगैरह ना, तो इस वजह से मेरे को बंदे फोलते हैं यार कि भाई रिप्लाई नहीं कर रहा तू, तो यार उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। मेरे को ना टाइम नहीं लग पाता क्योंकि मैं जब उठता हूँ तब से व्लॉगिंग स्टार्ट कर देता हूँ, व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, और व्लॉग नहीं बनाऊंगा तो आप लोग कैसे देखोगे, और उसके बाद फिर रात हो जाती है, रात को फिर एडिट का सीन रहता है, तो मेरे को ना टाइम नहीं लग पाता, जब टाइम लगता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ वरना नहीं कर पाता, तो उसके लिए भाई सॉरी बोलना चाहूंगा मैं। ओ भाई अभी मेरे साथ सीन हो गया था भयंकर, मैंने पैर नीचे रख रखा था और मेरे घर में ना चूहे घूम रहे भाई, काट ही लेता हूँ मेरे बच गया भयंकर, चूहे भी काटता है क्या, मेरे को आज पता चला यार भाई। एकदम मेरे पैर ऊपर गए, मैं डर गया, मैंने कहा क्या है भाई पैर के नीचे, देखा भयंकर चूहा एकदम भागा उधर की साइड, भाई दिल के धड़कन ऐसे तेज होगी, मैंने कहा क्या है भयंकर सांप वाप तो नहीं है, पता चला घर में तो कोई है नहीं, मैं टपक गया। और यार आज की ब्लॉग की अपडेट ये, आज हम जाएंगे अपना लाइसेंस अप्लाई करवाने, और भाई लाइसेंस अप्लाई करवाना सबसे पहले मेन है क्योंकि उसके बाद जैसे बाइक आई ना तो अपने जो मेरे को सामान लाना है दिल्ली से वो मेरे को लाना है बाइक के लिए, तो बाइक के लिए दिल्ली से सामान लाना पड़ेगा। और ब्लॉग का तीसरा अपडेट ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस शेयर कर दो। अबे साले मजाक कर रहा हूँ यार, तीसरा अपडेट ये है कि मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर कर देना ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर क्योंकि यार बहुत जरूरत है आपकी सपोर्ट की। और बाकी जो तीसरा अपडेट है, तीसरा अपडेट ये है कि भाई मेरे को जो हेलमेट है, हेलमेट वो ये नहीं पता रैप होगा या नहीं होगा, बट एक भाई है जिसने रैप करवाया था अपने हेलमेट में, तो मेरे को बता था भाई इतने में तू रैप करवा गया ना उतने में तू नया हेलमेट ले लेगा। मैं सोच रहा हूँ नया हेलमेट लूँ या रैप करवाऊँ, अगर सस्ता पड़ेगा तो रैप करवाना पड़ेगा, अगर नहीं सस्ता पड़ेगा तो फिर भाई नया लेना पड़ेगा, फिर कोई फायदा नहीं है ना, इतना पैसा लगाओ और फिर कोई सेम चीज मिले, इससे बड़े नया हेलमेट ना मैं ले लूँ, दो हेलमेट हो जाएंगे मेरे पास। तो बाकी यार अब हो चुका है दिन और भाई देखो बार बारिश आ रही है भाई साहब, अभी बारिश नहीं आ रही मगर बारिश आ चुकी है, और इधर मम्मी आ चुकी है, मम्मी तबीयत खराब हो गई थी, क्यों हो गई थी तबीयत खराब और पता नहीं, नहीं पेरेंट्स है उनकी यही है कि टेंशन लेते हैं बिना बात किया, पता नहीं किस चीज की टेंशन भी नहीं पता किस चीज की है मगर टेंशन लेते हैं। वो करके दिखाई वो जीभ वाला दिखाई करके एक बार करके दिखा ना, इसके अलावा किसी कोई नहीं लगाता ना मम्मी हमारा, आप लगा क्या मम्मी चटर बटर खाने लग गई थी इस वजह से, अभी तो मम्मी जवाने खा सकती है चटर बटर तो है ना मम्मी, जवान हो भी तो अभी तो चटर पटर बनता है कि नहीं, बुड्ढे तो हो गए, बुड्ढे हो गए आप, अगर आपने एक ठुमका मार दिया ना तो 1 के 3-4 लौंडे भी हो। और बाकी यार अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई, लाइट भाग चुकी है और मेरे जो फोन है फोन में बैटरी सिर्फ 5% है, अब देखते हैं लाइट आएगी तो तभी होगा वरना यार पॉसिबल नहीं है भाई, लाइट आएगी तभी मैं व्लॉग बना पाऊंगा क्योंकि बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी भाई। सो बाकी यार अभी मैं सो के उठा, थोड़ी सी छोटी सी नैप ली यार मैंने अभी वॉइस वजह से क्योंकि लाइट आनी थी, मैंने कहा यार व्लॉग तो क्या ही बनाऊंगा इससे बड़ा नैप ही ले लो, मेरे को नींद भी आ रही थी, अभी नैप लेके उठा तो भाई फोन मैंने चार्जिंग पे लगा रखे तो चार्ज हो गया फोन, शुक्र मान अगर आज पूरे दिन लाइट ना आती ना तो हो गया था भाई कांड क्योंकि मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। बाकी अभी का कुछ सीन ऐसा है भाई, मैंने अभी कॉल करके पूछा तो भाई बोल रहा है कि मेरे पास तो शाम को आ जाइयो तो मैं लाइसेंस तेरा अप्लाई करवा दूंगा, तो देखते हैं जैसा भी प्रोसेस रहता है उसका। बाकी उससे पहले जिम जाएंगे उसके बाद लाइसेंस अप्लाई करने जाएंगे, वो बहुत जरूरी है यार, अगर मैं पहले मनवा लूंगा वो ठीक है क्योंकि बाइक का तो कुछ पता नहीं है, पता चला भयंकर 10 दिन बाद ही शोरूम वाले की कॉल आ गई कि भाई आ जाओ अपनी बाइक लेने, तो फिर सीन हो जाएगा अपने साथ, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ मैंने कहा पहले ही अप्लाई करवा लेता हूँ लाइसेंस, क्योंकि उससे पहले अभी डाइट वगैरह खाते हैं और फिर निकलते हैं अपना जिम के लिए। आज फल फ्रूट बहुत ज्यादा है हमारे घर में, मोटी बातचीत होगी भाई, स्ट्रॉबेरी ला रही मम्मी, आज तो डाइट में फल फ्रूट है तो फल फ्रूट वगैरह खाते हैं उसके बाद जिम के लिए निकलते हैं। सुबह यार अभी हुआ जिम का टाइम और भाई ऑलमोस्ट
करूंगा, 6 बजने वाले हैं। और अभी भाई दीदी ने बनाया यहाँ पर पनीर, तो पनीर खाते हैं, उसके बाद जिम के लिए निकलता है। आजकल मैं प्रोटीन ही प्रोटीन ले रहा हूँ, तभी ना मसल गेन हो रहा है, गेनिंग वाला गेन नहीं हो रहा है। भाई यहाँ पर देखो कलाकारी कर दी मैंने, भी बचपन में सोचा था मगर मैंने बचपन में आज तक नहीं बनाया है। ऐसा कैसे बनाइए, अब होने का ही नहीं, वो बन गया जितना बनना था। इसके ऊपर कहा बनेगा, नहीं बनेगा इसके ऊपर। यार अभी पहुंचे जिम, और भाई क्या सुहाना मौसम हो रहा है, कितना प्यारा मौसम हो रहा है यार, मजा आ रहा है इस मौसम में ना भाई, मजा आ रहा है। बट एक चीज की डिसएडवांटेज है इसमें, ये है भाई तबीयत खराब हो जाती है इस वाले मौसम में, तो कपड़े वपड़े पहन लो। पता चला भयंकर गर्मी के चक्कर में कि भाई गर्मी लग रही है तबीयत खराब हो जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अभी जस्ट जिम पे भी पहुंचे, तो भाई अभी कॉफी पीते, उसके बाद फिर वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आज मारेंगे चेस्ट, मेरा फेवरेट वर्कआउट है आज। तो बाकी यार अभी वर्कआउट कर रहे हैं, और भाई वर्कआउट में मार रहे हैं चेस्ट, मैंने बताया था भाई, पंप ऐसा भयंकर आ रहा है। देखो अभी तो स्टार्ट ही करा भाई, तो कॉन्फिडेंस इतना आ रहा है इस वाली टी शर्ट को पहन के, नेक्स्ट लेवल ही। यार अभी वर्कआउट करते हैं और हैवी वेट मारेंगे भाई, इससे और ज्यादा पंप आएगा, फिर लास्ट में दिखा दूं मैं आपको सीन शॉट। चल लड़के चल। तो बाकी यार ये जो भी वेट मार रहा हूं ना, ये 70 है, देखते हैं आज लगता है या नहीं लगता है। चल तो भाई जो भी वेट मार रहे ना वो 75 है, आज देखते हैं मेरे पे उठेगा या नहीं उठेगा। चल कर दिया। भाई अभी आ चुका है 80 मारता है भाई, ये देखो भाई अपना दुश्मन 80 मार के रहूंगा आज मैं, देखते हैं लगता है या नहीं लगता है। नहीं भाई हुआ नहीं आज। तो भाई ये हमारे वीरू भाई, ये करते हैं हमारे आर्म रेसलिंग, और ये जीते लिख देना सब, किसमें जीते हो तुम? आर्म रेसलिंग भाई। कौन सी वाली? चैंपियन वाली ना? और ये इनकी ट्रॉफी भैया, मैं आज तक ट्रॉफी नहीं ला पाया, अगर क्या लाऊंगा मैं आप अभी जो सिल्वर बटन और गोल्डन प्ले बटन। ये भैया ने इस बात पे मेरा दिल जीत लिया भाई, और हमारा ही होगा, और सबका मिला के होगा, हमारी जितनी भी टीम है, गोल्डन और सिल्वर। केक कटेगा सब में बटेगा। सुबह की यार अभी वर्कआउट डन हुआ, और भाई वर्कआउट में आज मारा भाई चेस्ट, मजा आ गया भाई, अब तो बढ़िया बन रही है बॉडी भी, मतलब धीरे धीरे सब चीज सॉर्ट होती जा रही है। चीजें सॉर्ट करने का मतलब ये है भाई, देखो हमारी बाइक भी आ रही है, और जो हमारी बॉडी है ना भाई, बॉडी भी भाई शेप में आ रही है। हर चीज एक होता है ना, हर चीज का एक टाइम होता है, वही हो रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है मेरे को। बाकी वर्कआउट तो डन हो गया, अब चलते हैं लाइसेंस अप्लाई करवाने। तो यार जस्ट अभी पहुंचा मैं घर, और भाई बारिश हो रही है ज्यादा नॉइस, वजह से मैं अभी फटाफट जा रहा हूँ लाइसेंस अप्लाई करने, और मैंने अभी आधार कार्ड और पैन कार्ड लेने आया था घर पे। यश आगिर भाई क्या बोल रहे हैं, होने का नहीं होएगा भाई, अभी होगा बिल्कुल, अभी मना कर रहे थे, एप्लीकेशन तो हो जाएगा लेकिन स्लॉट नहीं बुक होगा ना मेरे भाई, तो कल हो जाएगा। कर दो फिर, कर दो कल, लो एप्लीकेशन डन हो जाएगा, लो फिर। तो बाकी यार अभी भाई लाइसेंस अप्लाई करवाया, और भाई अभी तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि 8 बजे इसकी जो एप्लीकेशन वगैरह है, वेबसाइट्स वगैरह है, वो बंद हो जाती है। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है, तो भाई अभी लाइसेंस तो अप्लाई कर दिया, मगर वो बोल रहा है कि लर्निंग अप्रैल तक आ जाएगा, तो लर्निंग से ही फायदा हो जाएगा, हम घूम सकते हैं। बाकी फिर परमानेंट तो मेरा 2 महीने लगेंगे, 2 या 3 महीने परमानेंट आने में, चलान नहीं कटने भाई लर्निंग से। बाकी बारिश ज्यादा हो जाएगी इसलिए घर निकलते हैं अभी। भाई की शॉप ये है सामने, नंबर नीचे दे दूंगा, किसी को यहाँ से करवाना होगा करवा लेना, मेरा नाम लोगे तो डिस्काउंट लग जाएगा आप लोगों को। भाई अभी पूछा मैं घर, और मम्मी मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, कल को हो जाएगा स्लॉट बुक मेरा। बाकी ये देखो मम्मी की मेडिसिन, टेंशन की मेडिसिन से है, बिना बात के मम्मी टेंशन लेती है, बताइए थोड़ा वो तो होता ही है, मगर मम्मी थोड़ा ज्यादा कर लेती है, अब समझाए तो यार देखते हैं मम्मी मानेगी नहीं मानेगी। मानोगे? हाँ कर रहे हूँ, मौसम भी चेंज है ना, तबीयत खराब हो ही जाती है। बाकी यार अभी पूछा मैं घर, अभी खाना वगैरह खाते हैं, डाइट वगैरह खाते हैं। आज के ब्लॉग की अपडेट यही थी भाई कि आज लाइसेंस करवाना था मेरे को अप्लाई, तो लाइसेंस अप्लाई कर दिया, तो जब मेरी बाइक आएगी तब लाइसेंस भी आ जाएगा, तो अपना लर्निंग का तो आ ही जाएगा, उसके बाद देखते हैं जो परमानेंट वाला होगा वो 3 या 4 महीने का प्रोसेस रहता है। बाकी चलो ये झंझट भी मेरा खत्म हो गया, अभी और चीजें भी हैं जो धीरे धीरे आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखेगी। और यार ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर दो, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस टाइम पे, और आगे भी लाइफ टाइम भाई अपना प्यार दिखा दो भाई अच्छे से, यार मजा ही आ जाएगा फिर तो। और बाकी यार अभी मैं खाना वगैरह खाऊंगा, उसके बाद फिर व्लॉग एडिट करूंगा, फिर सो जाऊंगा। बाकी अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। बाकी दिस ऑल फॉर द व्लॉग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड बाय।